नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, हमने क्या बना लिया था, हमने हमारा मेल गमीट भी बना चुके हैं हम और फीमेल गमीट भी बना चुके हैं हम। इतनी बात समझ आ गई। और साथ ही में हमने क्या कर लिया है, पोलन ग्रेन भी बना लिया था, राइट। तो जब हमारा पोलन ग्रेन बन चुका है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रेडी हो चुका है, तो अब हम हमारे क्या करेंगे, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवा देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, या तो किसी एक्सटर्नल एजेंट से आएगा, जैसे कि क्या होएगा, जैसे कि हमारी विंड हो सकती है या एयर हो सकती है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। उनकी मदद से क्या होगा, हमारे स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर लैंड करता है तो स्टिग्मा के पास में एक पावर होती है जिससे वो पोलन ग्रेन से बातचीत कर सकता है। और ये बातचीत कैसी होती है, केमिकल डायलॉग के फॉर्म में होती है, मतलब कोई ना कोई केमिकल इंटरैक्शन उन दोनों के बीच में होता है। अब जब ये केमिकल इंटरैक्शन हो रहा है, जब ये बातचीत हो रही है, तब स्टिग्मा ये पहचान लेती है कि जो पोलन ग्रेन आया है क्या वो उसी का ही है, मतलब क्या वो उसी स्पीशीज का ही है, क्या वो एक राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है, तो वो उसको क्या करती है, आगे के इवेंट्स करने के लिए परमिशन देती है। आगे के इवेंट्स मतलब पोलन ट्यूब बनाने के लिए परमिशन देती है। और अगर हमारा जो पोलन ग्रेन है वो कोई बहरूपिया है, मतलब कोई बाहर वाला है, तो वहां पर स्टिग्मा पोलन ट्यूब बनाने की परमिशन नहीं देती है। तो इसी के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलकर जा रहे हैं पोलन और पिस्टल के बीच में क्या इंटरैक्शन। स्टार्ट करें, आइए। तो हमारे पास यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या हुआ है, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो लैंड करेगा कहां पर, हमारी स्टिग्मा बना लें पहले हम। ये क्या है, हमारी स्टिग्मा है, ये क्या है, हमारी स्टिग्मा है, राइट। दिस इज आवर स्टिग्मा, लेबल कर लेते हैं, ये हमारी स्टिग्मा। ये क्या है, पूरी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये क्या है, स्टाइल है, राइट। और ये जो क्या है, बल्ज पार्ट है, बल्बस पार्ट है, इसको हमने क्या बोला था, ओवरी बोला था, क्या बोला था, ओवरी बोला था, राइट। अब इस ओवरी के अंदर हमारा क्या है, इसी ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल बैठा है, क्या बैठा है, ओव्यूल बैठा है, यहाँ लिख देते हैं, ओव्यूल इज लोकेटेड इनसाइड दी ओवरी। और इस ओवरी के अंदर ही हमारा क्या है, इस ओव्यूल के अंदर हमारी क्या है, एम्ब्रियो सैक है, क्या है, हमारी एम्ब्रियो सैक है, राइट। तो एम्ब्रियो सैक भी बना लेते हैं। ये ऊपर के क्या है, तीन एंटीपोडल्स, नीचे के क्या है, ये दो सिनर्जिड्स, एंड बीच में सेंट्रली क्या होगा, एक एग सेल होगा, राइट। एंड बीच में क्या होंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे। सिनर्जिड्स के ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट कलर से बना देते हैं, कुछ फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होंगे। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है, यस। तो अब यहां पर मार्किंग कर ले कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, राइट, एम्ब्रियो सैक। एंड ये हमारे सिनर्जिड, एग सेल, एंटीपोडल एंड फिलीफॉर्म अपैरेटस। हो गई बात, ये हमारा क्या रेडी हो गया, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेडी हो गया। अब यहां से क्या आ रहा है, एक पोलन ग्रेन आ रहा है, क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन आ रहा है। एंड पोलन ग्रेन क्या हुआ, लैंड हो गया, कहां पर लैंड हो गया, आपके पोलन ग्रेन लैंड हो गया आपकी स्टिग्मा के ऊपर, कहां पर लैंड हो गया, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो गया, राइट। अब यहां पर क्या चलेगा, इस स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में एक केमिकल डायलॉग चलेगा, क्या चलेगा, एक केमिकल डायलॉग, ठीक है। एंड इस केमिकल डायलॉग में ये पता चलेगा कि ये जो पोलन ग्रेन है वो राइट टाइप है, वो राइट है, या फिर क्या है, पोलन ग्रेन हमारा रॉन्ग है, मतलब कोई दूसरा आया है, जिस फ्लावर की ये ओवरी है उसी स्पीशीज का आया है, तो वो राइट टाइप होगा। अगर वो नहीं आया है तो वो रॉन्ग टाइप का क्या होगा, हमारा पोलन ग्रेन
होगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि जो हमारा पोलन ग्रेन है वो कैसा है, राइट टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी स्टिग्मा है वो क्या करती है, एक कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन रन करती है। यस, उसी को हमने क्या बोला है यहाँ पर, केमिकल डायलॉग बोला है। क्या बोला है? केमिकल डायलॉग। क्या बोलते हैं हम उस रिएक्शन को? कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन। आ गई बात समझ? अब मान लीजिए ये जो पोलन ग्रेन है ये राइट टाइप है, ये अपने वाला ही है, तो जो स्टिग्मा है वो क्या करेगी, वो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को होने की परमिशन देगी। मतलब कि जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर आया, यहाँ पर केमिकल डायलॉग हुआ, कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन हुआ, हमारा पोलन ग्रेन ने एग्जाम पास कर लिया, मतलब कि यू आर द राइट पोलन ग्रेन। ठीक है, ये लेबल लग गया उसके ऊपर। नाउ द पोलन ग्रेन हैज द परमिशन टू फॉर पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर क्या बनाएगा, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर बनाएगा पोलन ट्यूब, राइट? तो अगर राइट पोलन ग्रेन का टाइप है, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है, सो पोलन ग्रेन विल गेट द परमिशन टू फॉर्म पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, तो ये क्या बन गई, पोलन ट्यूब बन गई। क्या बन गई? पोलन ट्यूब बन गई। ठीक है, एंड ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के टिश्यूज को क्रॉस करते हुए ओवरी में जाती है, एंड ओवरी में जो हमारे ओव्यूल का, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, वहां से ये एंटर करती है। क्यों करती है माइक्रोपाइलर एंड से एंटर? क्योंकि हमारे ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बात आई याद में? हमने दो एंड्स करे थे, चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड कौन सा था? जहां पर हमारे आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। आई बात समझ में? साथ ही में ये जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर के अपैरेटस बनाए हैं, ये जो ब्लू कलर के अपैरेटस हैं, इनको हमने क्या बोला है, इनको हमने बोला है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोला है? फिलीफॉर्म अपैरेटस बोला है। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, इसीलिए इन केमिकल्स से ये पोलन ट्यूब को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एंड इस तरीके के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शन। तो जहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होगा वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि हमारी पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगे, और पोलन ट्यूब उसी एंड में से क्या होगी, एंटर होगी। आई बात समझ में? अब पोलन ट्यूब क्या करती है, जब पोलन ट्यूब की एंट्री होने वाली होती है, क्या होता है, जब हमारे पास में पोलन ट्यूब की एंट्री होने वाली होती है, यहां लिखेंगे पोलन ट्यूब, ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहां पर बिफोर पोलन ट्यूब एंट्री, जस्ट बिफोर पोलन ट्यूब एंट्री, राइट, एंड आफ्टर पोलन ट्यूब एंट्री, आफ्टर पोलन ट्यूब एंट्री कुछ इवेंट होता है। कुछ क्या होता है? इवेंट होता है, क्या है ना, जो आपका वो एम्ब्रियो सैक है ना, वो एम्ब्रियो सैक में आपके जो एंटीबॉडल सेल्स हैं और जो आपके सिनर्जिड्स हैं वो सब अपनी लाइफ को एग सेल के लिए क्या कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं। जब एग सेल फर्टिलाइज होता है और जाइगोट वहाँ पर बनता है तो एंटीपोडल भी डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या होता है, हमारे एंटीपोडल भी डीजेनरेट हो जाते हैं। साथ में अगर आपने देखा हो जो नीचे दो सिनर्जिड्स होते हैं तो उनमें से एक सिनर्जिड बिफोर पोलन ट्यूब एंट्री क्या कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है। हमारे पास कितने सिनर्जिड हमने बनाए थे, हमारे पास हमने दो सिनर्जिड बनाए थे। ये क्या है, हमारा एंटीपोडल सेल्स है, ये हमारे क्या है, सिनर्जिड्स हैं, ये बीच के पोलर न्यूक्लियाई हैं और बीच में ये क्या है, हमारा एग सेल है।
राइट और इस सिनर्जिड के ऊपर क्या है, ये फिलीफॉर अपैरेटस है। अब दो सिनर्जिड्स में से पोलन ट्यूब की एंट्री के जस्ट पहले एक सिनर्जिड क्या कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि पोलन ट्यूब आ गई तो पोलन ट्यूब क्या ला रही है, मेल गमीट्स ला रही है, और मेल गमीट्स ला रही है मतलब एग सेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा, मतलब कि जायगोट बनेगा, जायगोट को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए सिनर्जिड एक सिनर्जिड ये सोच के कि न्यूट्रिशन चाहिए खुद ही डीजेनरेट हो जाता है। कब, पोलन ट्यूब की एंट्री से जस्ट पहले। और एक सिनर्जिड कब डीजेनरेट हो जाता है, अदर सिनर्जिड डीजेनरेट आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, जैसे ही एंट्री करी वहीं पे दूसरा सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाता है। एंड फ्यूजन होते ही हमारे कौन डीजेनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि जो जायगोट बना है उसको क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले। आ रही है बात समझ में, वापस आ जाए यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब की परमिशन मिल गई और पोलन ट्यूब ने एंट्री कहाँ ले ली, हमारे ओव्यूल के अंदर एंट्री ले ली, कौन से एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से, और माइक्रोपाइलर एंड से वो कहाँ चली गई, वन ऑफ द सिनर्जिड्स में एंट्री ले ली। क्यों वन ऑफ द सिनर्जिड, क्योंकि एक सिनर्जिड तो क्या हो चुका है, डीजेनरेट हो चुका है, तो एक ही तो बचा है, तो जो बचा है उसमें वो क्या ले लेगी, एंट्री ले लेगी। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब हमारे पास क्या है, पोलन ट्यूब ने एंट्री तो ले ली है, पोलन ट्यूब ने हमारे पास में एंट्री ले ली है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या बना रहे हैं, हम स्टिग्मा बनाते हैं, अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये ओवरी। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, ये हमारा करेक्ट पोलन ट्यूब आ गया है, पोलन ग्रेन आ गया है, राइट। जब पोलन ग्रेन आ गया है करेक्ट, तो इसने क्या बनाई है अपनी, इसने अपनी पोलन ट्यूब बनाई है। ये क्या बना रहा है, पोलन ट्यूब बना रहा है ऐसे, एंड ये पोलन ट्यूब कैसी होगी, हॉलो होगी, येस और नो। और इसमें क्या आएंगे, इसमें जो भी हमारे पोलन ग्रेन के कॉन्टेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या बना लें, ओवरी के अंदर हम बनाएंगे हमारा ओव्यूल, ये क्या बन जाएगा हमारा ओव्यूल, राइट। एंड ओव्यूल के अंदर हमारी क्या है, एम्ब्रियो सैक है, और ये एक सिनर्जिड, एक तो डीजेनरेट हो चुका है, एक सिनर्जिड में कौन चली गई, हमारी पोलन ट्यूब चली गई, और ऊपर ये क्या है, तीन एंटीपोडल सेल है, बीच के दो पोलर न्यूक्लियाई है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर हमारी इस पोलन ट्यूब में क्या क्या है, तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन की जो शेडिंग होती है, पोलन ग्रेन की शेडिंग हमने पढ़ी थी, येस और नो, कि हमारे 60% एंजियोस्पर्म्स में, किसमें, 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन होता है वो कब शेड होता है, टू सेल्ड स्टेज पे शेड होता है। कब शेड होता है, टू सेल स्टेज पे शेड होता है, मतलब अभी तक जेनरेटिव सेल ने, जर्म सेल ने दो मेल गमीट्स नहीं बनाए हैं। पोलन ग्रेन के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल एंड जर्म सेल। आई बात समझ में, तो यहाँ पर क्या है, अभी हमारे पोलन ग्रेन में एक लार्ज वेजिटेटिव सेल है और एक स्मॉल जेनरेटिव सेल है। इस कंडीशन में जब ये पोलन ग्रेन होता है, तो जो हमारा डिवीजन होता है वो कहाँ होता है, जेनरेटिव सेल का, पोलन ट्यूब में होता है। सो ये क्या जा रहा है, पोलन ट्यूब में जा रहा है, एंड पोलन ट्यूब में क्या होता है, डिवीजन होता है, क्या होता है, डिवीजन होता है, और क्या बनते हैं, मेल गमीट्स बनते हैं। कितने मेल गमीट्स बनते हैं, दो मेल गमीट बनते हैं। क्या बनते हैं, दो मेल गमीट, मतलब यहाँ से क्या आएंगे, ये आएंगे यहाँ पर अंदर, क्या आएगा, जर्म सेल आएगा, और जर्म सेल आकर फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, हमारे दो मेल गमीट्स बनाएगा, टू मेल गमीट्स। ये ऐसा सिनेरियो हमारे 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है। कितने में होता है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में।
बाकी 40% एंजियोस्पर्म्स में, तो जो आपका पोलन ग्रेन आता है उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, दो मेल गमीट्स होते हैं। तो उन केसेस में आपके पास पोलन ट्यूब के कंटेंट्स क्या है, आपके दो मेल गमीट्स ऑलरेडी पहले से आते हैं। एंड ये दोनों मेल गमीट्स कहाँ जाते हैं, आपके एक तो यहाँ पर जो एग सेल है उससे जाके फ्यूज करेगा और एक इनसे आपके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। आई बात समझ में? तो ये क्या था, ये हमारे थे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या था ये? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन था। इतनी बात समझ आई? अब यहां पर अगर हम पोलन ट्यूब का क्या देखें, पोलन ट्यूब का पैसेज देखें, तो क्या है पोलन ट्यूब का पैसेज, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं हम पोलन ट्यूब का पैसेज। पोलन ट्यूब कहां से आई, पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, राइट? पोलन ट्यूब कहां से निकली, पोलन ट्यूब निकली पोलन ग्रेन के, पोलन ग्रेन के एक जर्म स्पोर में से। जर्म स्पोर याद है आपको, जर्म स्पोर याद है, जहां पर हमारी क्या एब्सेंट होती थी, जब हमने क्या बनाया था, एक पोलन ग्रेन बनाया था, उसके ऊपर हमने क्या बनाया था, एक इंटाइन बनाया था, एंड इंटाइन के बाहर हमने क्या बनाई थी, एक रफ सी हार्ड सी स्पोरोपोलोनिन से बनी हुई एग्जाइन बनाई थी। तो ये जहां पर एग्जाइन हमारी एब्सेंट है, इसी को ही हमने क्या बोला था, जर्म पोर बोला था। और जो हमारी इंटाइन है, जो हमारी क्या है, इंटाइन है, वो ही क्या बना रही है, पोलन ट्यूब बना रही है। आई बातें याद में? अब जब पोलन ट्यूब बन गई तो सबसे पहले वो क्या क्रॉस करेगी, पोलन ट्यूब बन गई है, पोलन ट्यूब क्या क्रॉस करेगी, स्टिग्मा से क्रॉस करी, सबसे पहले किससे क्रॉस करी, स्टिग्मा से क्रॉस करी, उसके बाद में स्टाइल के टिश्यूज को क्रॉस किया, द नेक्स्ट लेंडर लेग, उसके बाद में कहाँ गई, ओवरी में गई, ओवरी में कहाँ गई, ओव्यूल में गई, ओव्यूल में एंटर हुई, ओव्यूल में कहाँ पर एंटर हुई, ओव्यूल में एंटर हुई उसके माइक्रोपाइलर एंड पर। ये वो जो पोलन ट्यूब है ना, ये भी बहुत स्मार्ट है, ये चलाजल एंड से एंटर नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तो ये सोचती है कि मैं ऐसी जगह से घुस जाऊँ जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स ही ना हो। तो वो कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड में आने के बाद में इट एंटर्स वन ऑफ दी सिनर्जिड, जो एक सिनर्जिड जो बचता है उसमें ये एंटर हो जाती है, राइट? इट इज डायरेक्टेड बाय फिलीफॉर्म अपैरेटस एंड क्या कर देती है, रिलीज कर देती है कॉन्टेंट्स ऑफ पोलन ट्यूब, या फिर रिलीज कर देती है कॉन्टेंट्स ऑफ पोलन ट्यूब। क्या है पोलन ट्यूब के कॉन्टेंट्स, हमारे दो मेल गमीट्स हैं, क्या है, दो मेल गमीट्स हैं। कहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में, कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक में। तो ये क्या है, पूरा एक पैसेज है किसका, हमारी पोलन ट्यूब का, आफ्टर द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब आके गिर रहा है तो उसके बाद में क्या हो रहा है, कहानी आई पूरी समझ में, चलो आ जाओ। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स चेंजिंग। और क्या करता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पता लगाता है कि जो पोलन ग्रेन आया है वो राइट है या नहीं है, मतलब कि रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि पोलन ग्रेन सही है या नहीं है। उसके बाद में अगर पोलन ग्रेन सही है तो क्या होगा, प्रमोट होएगा पोलन ट्यूब का बनना, और अगर पोलन ग्रेन गलत है तो इनहिबिट होएगा, राइट? पिस्टल के पास क्या होती है, कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन करने की एबिलिटी होती है। तो पिस्टल जो है हमारा, उसके पास क्या है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कंपैटिबल और इनकंपैटिबल प्रोटीन। इतनी बात समझ आ गई पोलन, इतनी बात समझ आ गई। चलो फिर यहां पर क्या है, अगर हमारे पास में पोलन कैसा है, रॉन्ग टाइप का है, कैसा है, रॉन्ग टाइप का है, तो क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होएगा। क्या होएगा, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, मतलब स्टिग्मा समझ जाएगी कि ये अपना नहीं है। जब अपना नहीं है तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, एंड पोलन ट्यूब
नहीं बन पाएगी, पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी। अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो कंपैटिबल होगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होंगे, प्रमोट किए जाएंगे एंड पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। आ गई बात समझ में। उसके बाद में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर, प्रोड्यूस करेंगे पोलन ट्यूब। कहाँ से? एक जर्म पोर से। बताया था आपको कि अगर ये आपका पोलन ग्रेन है तो बाहर क्या होगी, इसकी इंटाइन होगी और उसके बाहर क्या होगी, एग्जाइन होगी। जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट है वही क्या होगी, जर्म पोर होगी, राइट। एंड इंटाइन ही आपकी क्या बनाकर जा रही है, इंटाइन ही आपकी पोलन ट्यूब बनाकर जा रही है। सो प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, राइट। एंड पोलन ट्यूब कहाँ कहाँ से बाहर आएगी, पहले स्टिग्मा से क्रॉस करेगी, स्टाइल में आएगी एंड ओवरी में चली जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद में क्या है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे हैं, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में कब शेड होते हैं, टू सेल स्टेज पे शेड होते हैं। एंड 40% में कब शेड होते हैं, थ्री सेल स्टेज पे शेड होते हैं। अगर टू सेल स्टेज पे शेड हो रहे हैं तो हमारे पास में जो पोलन ट्यूब आया है कंटेंट पोलन ग्रेन का वो क्या होंगे, हमारे पास में सेल्स होंगे, कौन से, जनरेटिव सेल होगा, ठीक है। और वहां पर अंदर आकर जो जनरेटिव सेल है डिवाइड करेगा इनटू टू मेल गमीट्स, इनटू टू मेल गमीट्स। आ रही है बात समझ। लेकिन जो थ्री सेल स्टेज पे हुए हैं शेड, उनमें तो ऑलरेडी क्या होगा, पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गमीट्स पहले से बने होंगे, क्योंकि वहां पर तो जेनरेटिव सेल जो है वो पहले ही क्या बना चुका है, मेल गमीट्स बना चुका है। इतनी बात समझ आ गई। पैसेज देख लें हमारी पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब ओवरी में जाएगी, कहाँ से, सिग्मा स्टाइल से ओवरी में आएगी। ओव्यूल में आएगी कहाँ से, माइक्रोपाइल से। एक सिनर्जिड में घुसेगी फिलीफॉर्म अपैरेटस से, एंड फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आपको पोलन ट्यूब देखनी है, क्या करना है, अगर आपको पोलन ट्यूब देखनी है तो आप क्या कर सकते हो, पोलन ग्रेन्स ले सकते हो, ठीक है। पोलन ग्रेन्स लो, उसको एक स्लाइड पे लो, पोलन ग्रेन्स वहां पे स्प्रिंकल कर दो और उसके ऊपर एक शुगर सोल्यूशन डाल दो। 10% का आप शुगर सोल्यूशन लेंगे एंड क्या करेंगे, उसको पोलन ग्रेन्स के ऊपर डालेंगे, उसको वैसा का ही वैसा छोड़ देंगे, कितने मिनट्स के लिए, 15-30 मिनट्स के लिए। एंड देन आप उसको एक लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपकी जो स्लाइड है उसके ऊपर आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनमें से क्या निकल रही होगी, उनमें से आपकी पोलन ट्यूब रिलीज हो रही होगी, द पोलन ट्यूब विल बी कमिंग आउट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट हाउ द पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड। कहाँ कहाँ आप देख सकते हो, पी प्लांट में आप देख सकते हो, चिकपी जो आपका चना होता है उसमें आप देख सकते हो, बाल्सम में, विंका में, क्रोटोलेरिया में, इन सब में आप क्या देख सकते हो, इनके पोलन ग्रेन्स को लेकर आप स्लाइड बनाकर उनमें पोलन ट्यूब फॉर्मेशन देख सकते हो। इतनी बात समझ आ रही है। अब जो हमारे ब्रीडर्स होते हैं, कौन होते हैं, जो हमारे ब्रीडर्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि नई नई वैरायटीज आएं, अच्छी अच्छी वैरायटीज आएं, जो प्लांट्स हो उनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सुपीरियर वैरायटी बने, तो वो क्या करते हैं, वो किसी का तो पोलन ग्रेन ले लेते हैं और किसी का क्या ले लेते हैं, या किसी कोई ऐसा प्लांट चूज कर लेते हैं जिसमें फेवरेबल कंडीशंस हैं या फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका ओव्यूल चूज कर लेते हैं। ओव्यूल एम्ब्रियो को तो, एग सेल को तो वहीं रहने देते हैं, हमारी किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है। एंड पोलन ग्रेन को ले लेते हैं एंड वहां पर जाकर क्या कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि जो नया फ्रूट बने और उसमें जो सीड बने वो इस प्लांट का बने, ऐसा बने कि उसमें आपका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास में ब्रीडर्स हैं, जो क्या है, क्रॉप ब्रीडर्स, राइट। तो ये क्रॉप ब्रीडर्स क्या करते हैं, ये क्रॉप ब्रीडर्स लेते हैं पोलन ग्रेन किसका, पोलन ग्रेन
विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. किसका लेते हैं? डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का ले लेते हैं, ठीक है. एंड ऐसे ही ये क्या ले लेते हैं, एक्सेल ऐसे प्लांट का चूज करते हैं जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाए, एक सुपीरियर वैरायटी बन जाए. क्या बन जाए? एक सुपीरियर वैरायटी बन जाए. इतनी बात समझ आ गई? तो इस पूरे प्रोसेस को जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे मेल गमीट को और फीमेल गमीट को फ्यूज करा रहे हैं एंथ्रोपोजेनिकली, मतलब कि जो मैन है वो फ्यूज करा रहा है, जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो नेचुरल नहीं है लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल है. तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, राइट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आई बात समझ में? तो अब ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको लेना होगा एक ऐसा पोलन ग्रेन और ऐसा एग्सेल जिसमें क्या हो, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और उनको फ्यूज करने पे कमर्शियली क्या आए, सुपीरियर वैरायटीज प्रोड्यूस हो. इतनी बात समझ आ गई? ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, एक मेजर अप्रोच है ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. हम क्या बना रहे हैं, क्रॉप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी कमर्शियली क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं. हमारे पास क्या है, जो पोलन ग्रेन्स है उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाली है, जिनको हम पॉलिनेशन के लिए यूज़ करते हैं. आई बात समझ में? अब जो हमारी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमें क्या करना है, हमारे वाले पोलन ग्रेन से क्या करवाना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है. इसलिए हमारे को दो टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं. क्या यूज़ करनी पड़ती हैं, हमारे को दो टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं. सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, राइट, यूजेस टू टेक्निक्स. दो टेक्निक्स को यूज करके नया कमर्शियल वैरायटी बनाया जा सकता है. कौन सी दो टेक्निक्स है? नंबर वन इज ईमैस्क्यूलेशन. नंबर वन क्या है? ईमैस्क्यूलेशन, ठीक है. एंड नंबर टू इज बैगिंग. नंबर टू इज बैगिंग. ईमैस्क्यूलेशन सुनते हैं हमारे को कैसा लग रहा है कि इसमें से मेल पार्ट, मैस्कुलिन पार्ट को क्या कर रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं. मतलब कि मैस्कुलिन पार्ट जो है हमारा, उसको फ्लावर में से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. मैस्कुलिन प्लांट पार्ट क्या है, एंथर है. तो इस फ्लावर में जो एंथर्स होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. अब मेल पार्ट के साथ तो ये हो गया, फीमेल को कैसे बचाएं? फीमेल को बचाने के लिए जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास में फ्लावर होगा, जो हमारे पास में क्या होगा, फ्लावर होगा. मान लीजिए फ्लावर का पेडिसल है और उसके ऊपर ये क्या है, फ्लावर है, ठीक है. इस फ्लावर के अंदर क्या है हमारी, इस फ्लावर के अंदर हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. अब इसके ऊपर आकर, यहाँ पर स्टिग्मा पर आकर कोई हमारा अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन ना बैठ जाए, इसलिए इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं. क्या कर देते हैं, बैग कर देते हैं. एक पेपर, एक बटर पेपर के बने हुए बैग में इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं. एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं. अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं. हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे उन फ्लावर्स की जो कि क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे. मतलब कि उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, और एक ही फ्लावर दोनों गमीट्स बना रहा है. तो चांसेस बहुत ज़्यादा है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन होने के. इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, मान लीजिए एक फ्लावर है हमारे पास में, ये आपकी फ्लावर की पेडिसिल है, ठीक है. अब इस फ्लावर में क्या है आपके पास में, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में आपके पास में क्या है, आपके ये एंथर्स भी है. क्या है, एंथर्स भी है, राइट. ये हो गए आपके एंथर्स, जो कि क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे. क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे, राइट.
एंड ये जो आपका फ्लावर है ये अभी कौन सी स्टेज में है? बड स्टेज में, ये अभी तक खुला नहीं है, पूरा मिच्योर नहीं हुआ है। कौन सी स्टेज में है आपका फ्लावर? आपका फ्लावर बड स्टेज में है। सो जो आपके क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें अभी मिच्योरिटी नहीं आई है। क्या नहीं आई है? सेक्सुअल मिच्योरिटी नहीं आई है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे को क्या करना है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो पोलन ग्रेन्स बना रहे हैं उनको क्या कर देंगे, कट करके रिमूव कर देंगे ताकि मैच्योरिटी आने पर ये डिहाइस ना हो जाए और डिहाइस होके अपना पोलन ग्रेन से सेल्फ पॉलिनेशन ना कर दे। इसलिए क्या करेंगे, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एंथर्स को रिमूव कर देंगे। एंथर्स आर रिमूव्ड। किसकी मदद से एंथर्स रिमूव्ड होते हैं? आपने वो फॉर्सेप्स देखे हैं, क्या होते हैं फॉर्सेप्स? ऐसे चिमटी होती है, चिमटी से लेकर यहां से क्या कर देते हैं, इनको प्लक कर देते हैं। कब करेंगे? बड स्टेज के अंदर ही करना है, फ्लावर स्टेज में नहीं, अभी बड स्टेज में ही करना है। जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिसेप्टिव नहीं हुए हैं, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है, लेट कर दोगे, देरी कर दोगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मिच्योर हो जाएंगे दोनों ऑर्गन्स और ये अपने पोलन ग्रेन्स डिहाइस कर देंगे। पोलन ग्रेन क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन कर देगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैच्योरिटी से पहले एंथर्स को रिमूव कर दो और इस एंथर रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, ईमैस्कुलेशन बोलते हैं, राइट? अब जब हमारे एंथर्स रिमूव हो गए हैं, क्या हो गए हैं, हमारे एंथर्स रिमूव हो गए हैं, कर दे रिमूव, इनको रिमूव कर दे, चलो रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमारे एंथर्स को क्या किया, हमने रिमूव कर दिया, ये हमारे एंथर्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। क्या अब इसमें कोई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा? क्या कोई यहाँ पर पोलन ग्रेन बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन फ्लावर तो ब्लूम होगा, स्टिग्मा तो रिसेप्टिव होगी और हो सकता है कोई क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए उड़ता उड़ता बाहर से क्या आ जाए, पोलन ग्रेन आ जाए। इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस फ्लावर को क्या कर दिया जाता है, एक बटर पेपर के बैग में इसको बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बटर पेपर के बैग में इसको बंद कर दिया जाता है और फ्लावर को, बड को यहाँ पर खिलने दिया जाता है, हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको मिच्योर होने दिया जाता है, रिसेप्टिव होने दिया जाता है। ठीक है, अब जब हमारा क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, जो फ्लावर है वो क्या हो गया है, अच्छे से ब्लूम हो गया है। क्या हो गया है, अच्छे से ब्लूम हो गया है और ब्लूम होने के साथ साथ में, ब्लूम होने से ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, ब्लूम होने के साथ साथ में जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थी, जो हमारी क्या थी, पिस्टल थी, वो भी पोलन ग्रेन के लिए क्या हो गई है, रिसेप्टिव हो गई है। क्या हो गई है, रिसेप्टिव हो गई है। आ रही है बात समझ में? अब क्या होगा, इसके चारों तरफ तो अभी पेपर बैग है, इसके चारों तरफ क्या है, अभी पेपर बैग है, इस पेपर बैग को रिमूव किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इस पेपर बैग को रिमूव किया जाएगा। कर दे रिमूव, पेपर बैग को रिमूव कर दिया। तो ये पेपर बैग जो हमने रिमूव किया है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला डीबैगिंग। क्या बोला, डीबैगिंग बोला, राइट? एंड यहाँ पर स्टिग्मा पर हमने क्या कर दिए, हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स स्प्रिंकल कर दिए। क्या कर दिए, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर दिया, जिससे कि क्या हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। एंड डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल करते ही क्या कर देंगे, वापस बैग लगा देंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीबैगिंग। वापस से क्या लगा देंगे, इस फ्लावर के ऊपर बैग से इसको कवर कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई बात समझ में? तो अब क्या होगा, आपने इसको फिर से कवर कर दिया, चांस ही नहीं दिया किसी क्रॉस पोलन को आने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए। अब यहां पर जब आपने अपने डिजायर्ड कैरेक्टर का पोलन ग्रेन डाला है तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होएगा एंड आपके ही मतलब की यहां पर वैरायटी बनेगी। आई बात समझ में? ये केस में हुआ, आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हुआ। अब मान लीजिए आपके क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि आपका ये फ्लावर है, ठीक है,
एंड इसके अंदर सिर्फ क्या है, बर्ड स्टेज में किया है, सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम है, फीमेल फ्लावर है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम है। तो इसमें ईमैस्कुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंथर्स ही नहीं है, ईमैस्कुलेशन स्किप कर ले यहाँ पे। लेकिन फ्लावर जैसे ही ब्लूम होगा तो आपकी ये क्या होगी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी तो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। इसलिए पहले ही इसको क्या कर देते हैं, पहले ही बर्ड स्टेज में ही इसको क्या कर देते हैं, बैग में कवर कर देते हैं ताकि ये बैग के अंदर ही ब्लूम हो जाए। जैसे ही आपकी जो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मैच्योर होएगी, एज सून एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्स क्या करेंगे, डिजायर्ड पोलन ग्रेन स्प्रिंकल करेंगे। क्या करेंगे, जैसे ही फ्लावर ब्लूम होएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होएगा, बैग को हटाएंगे, डिजायर्ड क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल करेंगे और फिर क्या कर देंगे, फिर से बैगिंग कर देंगे। तो क्या हो रहा है, पहले हमने क्या करी बैगिंग, फिर हम क्या करेंगे, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का वेट करेंगे। जब ये रिसेप्टिव हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, डीबैगिंग करेंगे, मतलब बैग को उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल करेंगे, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल करेंगे एंड हम फिर क्या कर देंगे, रीबैगिंग कर देंगे ताकि कोई क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही ना बचे। क्या करेंगे, बैगिंग, फिर स्टिग्मा के मैच्योर होने का वेट, फिर क्या करेंगे, डीबैगिंग, बैग को उतार देंगे, पोलन ग्रेन्स छिड़क देंगे एंड फिर से बैग में उसको क्लोज कर देंगे। याद रखना कि ये जो बैग है ये किसका बना हुआ है, बटर पेपर का बना हुआ है। आई बात समझ में कि कैसे ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास में ईमैस्कुलेशन है वो किस में हो रहा है, फीमेल पेरेंट में हो रहा है, क्योंकि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तो नहीं लेके जा सकते ना कहीं, यस और नो, क्या फीमेल गमीट जो एग सेल है क्या वो मोबाइल है, नहीं है ना। लेकिन जो पोलन ग्रेन है हम उसको इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, फीमेल पेरेंट ले रहे हैं। अगर फीमेल पेरेंट के पास में बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, फोर्सेप से या सीजर की मदद से रिमूव करना पड़ेगा एंथर को फ्लावर में से। कब करना पड़ेगा, बड स्टेज में करना पड़ेगा, बिफोर द डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डहाइस होने से पहले हमारे को एंथर्स को रिमूव करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई। उसके बाद क्या होगा, जो ईमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं जो उनपे से हमने एंथर हटा दिए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक बैग में कवर करना पड़ेगा, जिससे कि क्या अवॉइड करा जा सके, क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। क्या करा जा सके, क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। बैग किसका बना होगा, बटर पेपर का बना होगा। क्यों करते हैं, ताकि कंटैमिनेशन ना हो स्टिग्मा का किसी अनवांटेड पोलन ग्रेन से। आई बात समझ में। तो हम किसका वेट करेंगे, स्टिग्मा के मैच्योर होने का वेट करेंगे, मैच्योर पोलन ग्रेन्स को डस्ट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर, फ्लावर्स को वापस बैग में बांध देंगे और फ्रूट को डेवलप होने देंगे। ये बात हुई जब आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है। लेकिन अगर आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो आप क्या करोगे, ईमैस्कुलेशन की आपको जरूरत ही नहीं है, आप फ्लावर को बड स्टेज में ही क्या पिना दोगे, बैग पिना दोगे, फ्लावर को ब्लूम होने दोगे, मैच्योर होने दोगे, स्टिग्मा को उसकी रिसेप्टिविटी अटेन करने दोगे, पॉलिनेशन किससे करोगे, अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन से एंड फिर से क्या कर दोगे, रीबैगिंग कर दोगे। उससे पहले जब आपको क्या करना है, पॉलिनेशन करना है डिजायर्ड पोलन ग्रेन से, तो बीच में आप यहां पर क्या करोगे, डीबैगिंग करोगे, मतलब जो बैग पहले से चढ़ा रखा है उस बैग को उतार दोगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए एक कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी को
बनाने के लिए क्या किया है, कुछ टेक्निक्स को यूज किया है, राइट, जिसको हमने क्या बोला है, ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे दो मेल गमीट्स एग से फर्टिलाइज करते हैं और फिर पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करते हैं। पूरे प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास ज़रूर से अटेंड करनी है, क्योंकि जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है वो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एक लेंदी क्वेश्चन तो देख लेना, आप पिछले साल का पेपर उठा के, उसमें बहुत बार आया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।